हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी है। बहुत डिलीशियस होती है, आप भी इसको इजीली बना सकते हैं। बस बनाते टाइम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये तूर की दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, लिया है। इसको 20 मिनट पहले भिगो दिया था। ये 1 कप तूर की दाल है। दाल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अभी अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड अभी इसको मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी इस तरीके से। दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैं 2 ग्लास वाटर ऐड करूँगी। ये मैंने कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर, और कुकर को क्लोज़ कर लेंगे। ये देखिए, और इसको बॉयल होने के लिए गैस पे रख देंगे। इसको 4-5 सीटी आने तक बॉयल करेंगे। इसके बाद में इसकी जो गैस है खुद से निकल जाने देंगे। जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक देख लेते हैं सब्जियों को। सब्जियों में मैंने ये ड्रम स्टिक लिया है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। एक आलू है, इसको इस तरीके से कट किया है। लौकी है थोड़ी सी, और ये बैंगन, इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। सब्जियों को आप चाहें तो दाल के साथ बॉयल कर सकते हैं, बट दाल के साथ ये ओवर कुक हो जाती है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड सी, जीरा, तेज पत्ता, होल रेड चिली, करी लीव्स, थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। सॉटे कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये अनियन इस तरीके से चॉप करके डाला है, इसको भी भून लेंगे। हींग है, हींग आपको स्किप नहीं करना है, ज़रूर डालना है, भून लेंगे। स्पाइसेस में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला लिया है, भून लेंगे। ये देखिए, स्पाइसेस भून चुके हैं। ये सांभर मसाला, मैं 2 चम्मच सांभर मसाला मैंने ऐड किया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये चॉप टमेटोस, इसको कुक करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छे से भून लेंगे इसको भी। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड किया जिससे ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। इस तरीके से मैश कर लेंगे। ये मैश करना है इसको इसी तरीके से। इसके बाद जो सब्जियां काट के रखी थी उसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से भूनेंगे सब्जियों को। एक बार आप इसको इस तरीके से बना के देखिए, बहुत अच्छी सांभर बनती है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। 2 मिनट तक सब्जियों को भूनना है। इसके बाद में इसको 5 to 6 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 5 to 6 मिनट के बाद में चेक करिए। ये देखिए, सब्जियां हाफ कुक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद में जो बॉयल दाल थी उसको ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, जैसी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उसी हिसाब से वाटर ऐड कीजिए। मुझे बहुत पतली सांभर पसंद नहीं है। ये देखिए, अच्छे से कुक करना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड किया है, आपको स्किप नहीं करना है, ऐड करना है। एंड सांभर को खट्टा मीठा रखने के लिए इसमें 1 टीस्पून आपको शुगर या फिर गुड़
ऐड कर दीजिए। ये देखिए सब्जियां भी ज़्यादा कुक नहीं हुई हैं और एकदम परफेक्ट सांभर बनी है। अच्छे से पका लेंगे इसको। ये देखिए सांभर अच्छे से पक चुकी है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। ये कोरिएंडर लीव्स हैं, ऐड करूँगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट सांभर बनी है। आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लीजिए आपकी सांभर बन के तैयार है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको इडली, डोसा, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी आप अपने घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।